नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। जी हां दोस्तों, खबर अयोध्या से है। अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां राम मंदिर में सुरक्षा में तैनात स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राम मंदिर में गोली चली है। गोली कैसे लगी ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। सूचना पर आईजी एसएसपी सहित पुलिस के कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। शुरुआती जांच में पुलिस का मानना है कि आत्महत्या या कोई हादसा भी हो सकता है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि जवान अंबेडकर नगर का रहने वाला था। बुधवार की सुबह सुबह अचानक गोली चलने की आवाज से श्रीराम जन्मभूमि परिसर में हड़कंप मच गया। फिलहाल कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। जवान की मौत की खबर पहुंचते ही उनके घर में कोहराम मच गया। जवान का नाम शत्रुघ्न विश्वकर्मा बताया जा रहा है, जिसकी उम्र महज 25 साल के करीब थी। गोली चलने की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे उसके साथी सुरक्षा कर्मियों ने उसे वहां खून से लथपथ पाया तो आनंद फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां से घायल जवान को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जवान की मौत की सूचना से राम मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया है। अयोध्या के आईजी और एसएसपी सहित पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। आपको बता दें, पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी वहां बुला लिया है। फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल पर जांच पड़ताल की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जवान के कुछ साथियों का कहना है कि वो पिछले दिनों से काफी परेशान चल रहा था। घटना से पहले वो मोबाइल देख रहा था। पुलिस ने शत्रुघ्न के मोबाइल को भी जांच के लिए भेज दिया है। शत्रुघ्न विश्वकर्मा को स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ में 2019 में नौकरी मिली थी। अंबेडकर नगर के थाना समनपुरा के टचपुरा गांव का रहने वाला था शत्रुघ्न। राम मंदिर परिसर में वो तैनात था। एसएसएफ का गठन 4 साल पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंदिरों की सुरक्षा के लिए किया था। शत्रुघ्न की मौत की खबर मिलने के बाद से अंबेडकर नगर में उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि शत्रुघ्न अब इस दुनिया में नहीं है। राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात एक और जवान को 3 महीने पहले गोली लगी थी। उस मामले में जवान की अपनी गलती से गोली चल गई थी। आपको बता दें, इस बार अयोध्या के राम मंदिर में गोली चलने की खबर सामने आई है और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई है। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।